हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं सेशन। तो सेशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, सेशन काम कैसे करता है, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं कि सेशन की नीड क्या है एक्चुअल में। ठीक है, एक सिनेरियो समझो। देखो, लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था, एक मैंने यहाँ पर लॉग इन पेज बनाया था। ये था मेरे पास ईमेल आईडी के लिए टेक्स्ट फील्ड और ये है मेरे पास पासवर्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड। ओके, और मेरे पास यहाँ पर एक बटन आ गया, दैट इज लॉगिन बटन। दिस इज ईमेल एंड दिस इज पासवर्ड। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं वो जाएगा प्रोफाइल पेज पर। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया है दैट इज प्रोफाइल पेज और यहां पर आ गया है डेट इज वेलकम। ओके, अब जैसे ही ये लॉग इन करेगा एक रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर, प्रोफाइल पेज पर, और वो यहां पर नेम जो है वो चीज प्रिंट करवा देगा। जो भी पर्सन लॉग इन होगा वो नेम प्रिंट करवा देगा। नेम कैसे प्रिंट करवाता था, क्योंकि जैसे ही मैं लॉग इन बटन पर क्लिक कर रहा था एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट होता है। हाँ जी, ये क्या हमारे पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास नेम, नेम जो है वो स्टोर होता है, जैसे दीपक, और ये वाला नेम यहां पर गेट होगा और यहां पर हमारे पास नेम जो है वो चीज प्रिंट हो जाएगा, डेट इज दीपक। क्लियर है चीज? तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहां पर डेटा एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा जो है वो चीज ट्रांसफर करवाता हूं। ओके, ये तो था सिंपल सिनेरियो, बट अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेकर चलते हैं। यहां पर मेरे पास कुछ मेन्यू बार है, जैसे ये प्रोफाइल पेज है, मेरे पास एक है डेट इज होम, एक है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस के नेम से। ओके, दो पेजेस और हैं। अब जैसे ही मैं होम पर क्लिक करता हूं, हाँ जी, जैसे ही मैं होम पर क्लिक करता हूं मेरे पास होम पेज जो है वो ओपन होना चाहिए और यहां पर मेरे पास प्रिंट होना चाहिए डेट इज वेलकम, वेलकम के बाद दीपक, नेम जो है वो चीज प्रिंट होना चाहिए। सिमिलरली जैसे मैं अबाउट अस पर क्लिक करता हूं, अगेन मेरे पास एक पेज ओपन होना चाहिए डेट इज अबाउट अस और यहां पर भी मेरे पास नेम जो है प्रिंट होना चाहिए डेट इज वेलकम दीपक। ओके, बट यहां पर एक चीज समझो, क्या ये नेम प्रिंट करवा पाएगा? हाँ जी, क्या ये यहां पर नेम प्रिंट करवा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो नेम आ रहा था ये आ रहा था एक्चुअल में लॉगिन से प्रोफाइल पेज पर, किसके थ्रू, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, और रिक्वेस्ट का स्कोप होता है सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज तक। जैसे ही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से डिलीट हो जाएगा। हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट यहां से डिलीट हो जाएगा। अब जब भी मैं दूसरे पेजेस पर वैल्यू गेट करवाऊंगा तो वैल्यूज जो हैं ये हमारी गेट नहीं होगी। हाँ जी, ये वाली वैल्यूज जो हैं ये हमारी गेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो चुका है। अब आपको नेम प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट करवाओगे? या तो आप एक काम करो, हर एक पेज पर वैल्यूज जो है वो लेकर जाओ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि पहले आप लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज सेट करोगे, फिर जाकर हम लोग यहां पर गेट करवाएंगे और प्रिंट करवाएंगे। सेम यहां पर भी हम लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट करवाएंगे और यहां पर गेट करके प्रिंट करवाएंगे। बट क्या वो चीज अच्छा वे है? हाँ जी, क्या ये अच्छा वे है कि बार बार आप लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा जो है वो चीज सेट करवा रहे हो और वैल्यू जो है वो गेट करवा रहे हो? ये चीज अच्छा वे नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू के लिए तो ठीक है, बट बहुत सारी वैल्यूज अगर हम लोग इस टाइप से सेट करवा रहे हैं तो उससे हमारी एप्लीकेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे डेट इज सेशन का। हाँ जी, यहां पर हम लोग यूज करेंगे सेशन का। मैं सिंपली क्या काम करूंगा, एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। हाँ जी, मैं यहां पर एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा और जो भी वैल्यूज मैं सेट करवाना चाहता हूं या फिर जो भी वैल्यूज मैं मल्टीपल पेजेस पर एक्सेस करवाना चाहता हूं वो सारी की सारी वैल्यूज मैं सेशन के अंदर सेट करवा दूंगा। जैसे यूजर का, यूजर के डिटेल्स, जैसे नेम हो गया है। हाँ जी, जैसे नेम मैंने यहां पर सेट करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल दीपक। ठीक है, ईमेल आईडी, पासवर्ड नहीं, जेंडर हो गया है, सिटी हो गया है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर जाकर स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अब क्या रहेगा, मैं इन पेजेस पर मैं डायरेक्टली सेशन से वैल्यूज को गेट करवा दूंगा। हां जी, मैं डायरेक्टली सेशन से वैल्यूज को गेट करवा दूंगा और यहां पर जाकर प्रिंट करवा दूंगा। मुझे बार बार सेशन के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करने की नीड नहीं है। ध्यान रखना
ये चीज, हम लोग जब यहां से एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अब वहां पर वैल्यूज बार बार यूज हो, नॉर्मली ये चीज हम लोग यूजर की आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे लॉग इन पेज से मैं जब दूसरे पेज पर जा रहा हूं तो उसी टाइम पर मैं सेशन के अंदर, हां जी, इसी टाइम पर मैं क्या काम करूंगा, सेशन के अंदर वैल्यूज जो है वो चीज सेट करवा दूंगा और यहां पर मैं सारी जगह पर सेशन से वैल्यूज को क्या करूंगा, मैं गेट करवा दूंगा। दैट्स इट, क्लियर है चीज। तो इससे क्या रहेगा, यूजर की आइडेंटिटी जो है वो चीज मेंटेन रहेगी। ओके, तो ये था हमारे पास सेशन का कॉन्सेप्ट। के अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी वैल्यूज जो है वो एक बार सेट हो जाए और मैं उनको मल्टीपल पेजेस पर बार बार एक्सेस कर सकूं, या फिर इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम लोग अगर यूजर की आइडेंटिटी मेंटेन करके चलना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं सेशन का। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट के सेशन की नीड क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेशन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे करना है, ये चीज हम लोगों को यूज कैसे करना है। यहां पर समझो, देखो सबसे पहले तो सेशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। हां जी, सेशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, ध्यान रखना, डेट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का। हाँ जी, अगर आप लोगों को सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का। सिंपली मैं यहां पर इसका जो रेफरेंस होता है, डेट इज request.getSession, मैं यहां पर सेशन जो है वो चीज गेट करवा दूंगा और इसको HTTP session के अंदर जो है उसको स्टोर करवा दूंगा। ओके, तो ये क्या काम करेगा, जो सेशन हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर सेशन हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये उसको गेट करवा के HS या फिर सेशन के अंदर स्टोर करवा देगा। बट अगर क्रिएटेड नहीं है कोई पहले से सेशन का ऑब्जेक्ट तो फिर ये न्यू सेशन गेट करवा देगा, न्यू सेशन क्रिएट करके ये गेट करवा देगा। ओके, तो हमारे पास सेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं क्या काम करूंगा, HTTP session का मेथड होता है, हमारे पास HTTP session के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सेट एट्रीब्यूट वैल्यूज सेशन के अंदर वैल्यूज सेट करवाने के लिए, गेट एट्रीब्यूट सेशन से वैल्यूज को गेट करवाने के लिए, रिमूव एट्रीब्यूट अगर आप लोग वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हो, देन इनवैलिडेट, गेट आईडी, तो इस टाइप के काफी सारे मेथड्स होते हैं HTTP session के। तो मुझे अगर वैल्यूज सेशन के अंदर सेट करवानी है तो मैं क्या काम करूंगा, हां जी, सिंपली मैं मेथड का यूज कर दूंगा, डेट इज HS.setAttribute, जिसमें मैं यहां पर यूज करूंगा डेट स्ट्रिंग, ये एक तरह से की आ जाएगी। ओके, और यहां पर मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है चीज, ठीक है। बट वैल्यू ध्यान रखना हमारी ऑब्जेक्ट में रहेगी, हां जी, की जो है वो हमारी स्ट्रिंग में रहेगी और वैल्यू जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगी। क्लियर है चीज। तो मैं क्या काम करूंगा, इस टाइप से मल्टीपल टाइम्स यहां पर सेशन के अंदर मैं वैल्यूज को सेट करवा दूंगा। तो की वैल्यू, हां जी, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में मेरे पास यहां पर डेटा जो है वो चीज स्टोर हो जाएगा। ओके, अब सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, देखो सेशन क्रिएट हो गया, सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सेशन के अंदर वैल्यू सेट भी होगी। अब क्या काम करना है, सेशन से वैल्यूज को गेट करवा देना है। कैसे गेट करवाओगे, सिंपल है, HS.getAttribute, यहां पर मैं की जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। हां जी, की जो है, जो मैंने यहां पर की प्रोवाइड की है, ये वाली की मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो वो इस की के अकॉर्डिंग वैल्यू को गेट करवा देगा और ऑब्जेक्ट के अंदर, हां जी, ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसको स्टोर करवा देगा। ओके, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो मैं स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा दूंगा और उसको टाइप कास्ट कर दूंगा। ओके, तो सिंपल है, गेट एट्रीब्यूट के थ्रू फिर मैं वैल्यूज को गेट करवा दूंगा और सिंपल मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगा। डेट सेट, क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स थे जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्या है कि भाई सेशन जो है वो आपने क्रिएट कर दिया, देन सेशन के अंदर वैल्यू जो है वो चीज सेट करवा दी। ओके, एंड थर्ड पार्ट आ जाएगा, सेशन किससे आप लोगों ने वैल्यूज को गेट करवा दी।
क्लियरेंसेस। तो ये क्या है हमारे पास सेशन का कॉन्सेप्ट, ओके। और हम लोगों ने हर एक पेज पर वैल्यूज गेट करवा दी, बट एक और पॉइंट समझना है, अगर मुझे यहां पर लॉग आउट करना है, क्योंकि देखो यूजर की आइडेंटिटी मेंटेन हो रही है, ठीक है, बट मैं ये चीज चाहता हूं कि यूजर जो है वो चीज डिलीट हो जाए, या फिर यहां से वैल्यूज डिलीट हो जाए, या फिर पूरा पूरा सेशन ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या काम करेंगे? हां जी, उस केस में हम लोग यूज करेंगे डेटस एचएस डॉट, या तो हम लोग कर देंगे डेटस रिमूव एट्रीब्यूट, जिसमें हम लोग यहां पर की जो है वो चीज प्रोवाइड करेंगे। तो की जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग वो वाली वैल्यू वहां से रिमूव हो जाएगी, ओके। बट ये तो था कि अगर आप लोग एक ही की वैल्यू पेयर को डिलीट करना चाहते हो, बट अगर मैं पूरा पूरा सेशन ऑब्जेक्ट ही डिलीट करना चाहता हूं, फिर मैं यहां पर मेथड का यूज कर दूंगा डेटस एच एस डॉट एन वैलिडेट। क्लियर है चीज? तो ये वाला मेथड क्या काम करेगा? ये सेशन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, ओके? तो ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग वैल्यूज रिमूव करना चाहते हो या फिर सेशन ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, ओके? तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, ये चीज एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं, ओके? और फिर मैं आप लोगों को इसकी इंटरनल वर्किंग भी एक्सप्लेन करूंगा कि एचटीटीपी सेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये चीज का ध्यान रखना। ये मैंने आपको अभी बताया सिर्फ एक क्लाइंट के लिए, अगर हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स है तो सेशन एक्चुअल में मेंटेन कैसे करता है, ये चीज भी एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, बट पहले हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ओके? तो देखो, तो यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर देता हूं, ओके? तो ये देखो, ये हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें मैंने यहां पर इंडेक्स पेज बनाया था, ईमेल आईडी और पासवर्ड है, जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूं वो जाएगा लॉगिन पेज पर, देन लॉगिन पेज पर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच करेगा, देन अगर वो ट्रू हो जाता है, मतलब मैच हो जाता है, तो वो क्या काम करेगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नेम सेट करवाएगा और प्रोफाइल पेज पर वो चला जाएगा, ठीक है? और अगर पासवर्ड गलत है तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा, ओके? और प्रोफाइल पेज पर अगर आप लोग देखोगे तो मैं रिक्वेस्ट से डेटा गेट करवा रहा हूं, ये देखो नेम अंडरस्कोर की, मैं यहां से वैल्यू को रिट्रीव करवा रहा हूं और वैल्यू को मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा हूं, ओके? तो एक बार आप लोग ये वाली एप्लीकेशन रन करके देखो, सिंपली मैं इसको रन करता हूं, देन यहां पर मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूं, पासवर्ड मैंने गलत पासवर्ड प्रोवाइड किया, लॉगिन पर क्लिक किया तो उसने एरर प्रोवाइड कर दिया, ओके? अब मैं करेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करता हूं तो ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगा और नेम जो है वो चीज प्रिंट करवा देगा, ठीक है? अब मैं यहां पर मेन्यू बार जो है वो चीज क्रिएट कर देता हूं, सिंपल दो तीन मेन्यू बार क्रिएट कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया है AHREF इक्वल्स टू होम पेज, मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया, देन मैं थोड़ा सा यहां पर स्पेस प्रोवाइड कर देता हूं, एंड देन अगेन यहां पर मैंने कर दिया है AHREF इक्वल्स टू अबाउट अस के नेम से भी हम लोग पेज क्रिएट कर देते हैं, ओके? लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज होम, होम डॉट जेएसपी मैं कर देता हूं, ओके? सिमिलरली यहां पर मैं कर देता हूं डेट इज अबाउट अस डॉट जेएसपी, ठीक है? तो अब मैं यहां पर होम डॉट जेएसपी एंड अबाउट अस डॉट जेएसपी दो जेएसपी पेजेस भी क्रिएट कर देता हूं, जेएसपी फाइल मैंने सेलेक्ट की, देन होम डॉट जेएसपी पेज मैंने क्रिएट कर दिया, सिमिलरली मैं एक और जेएसपी पेज क्रिएट कर देता हूं डेट इज अबाउट अस डॉट जेएसपी, ओके? और इनके अंदर भी मैं यही सेम पार्ट प्रोवाइड कर देता हूं, क्लियर है चीज? तो होम के अंदर मैंने अगेन प्रोवाइड कर दिया है डेट इज वेलकम के बाद नेम, यहां पर आ जाएगा डेट इज प्रोफाइल और ये जाएगा प्रोफाइल डॉट जेएसपी पेज पर, ओके? ठीक है, सिमिलरली अबाउट अस पर क्या चीज प्रिंट होना चाहिए? हां जी, यहां पर अबाउट अस की जगह पर मैं कर देता हूं डेट इज प्रोफाइल और यहां पर हम लोग कर देते हैं डेट इज प्रोफाइल डॉट जेएसपी, ओके? अब इस एप्लीकेशन को रन करके देखो और चेक करते हैं हम लोग क्या नेम हमारे पास गेट होगा या नहीं होगा। हां जी, नेम हमारे पास प्रोफाइल पेज पर गेट हो रहा था, बाकियों पर हम लोगों को चेक करना है नेम गेट होगा या नहीं होगा। तो सिंपली मैं इसको रन कर देता हूं,
लॉगिन कर देता हूं, मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूं एंड पासवर्ड, करेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया, लॉगिन पर क्लिक किया तो ये हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है वेलकम दीपक पवार। ओके, अब मैं होम बटन पर क्लिक करता हूं, होम लिंक पर, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर ये देखो ये क्या बोल रहा है, दैट इज नल, क्योंकि वैल्यू आई नहीं है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे पास वैल्यू आ रही थी, ये देखो लॉगिन पेज से रिक्वेस्ट के थ्रू मेरे पास वैल्यू आ रही थी प्रोफाइल पेज पर, प्रोफाइल पेज पर फिर वो वैल्यू गेट करवा रहा था और प्रिंट करवा रहा था, बट जब मैं होम पेज पर जाऊंगा या अबाउट अस पेज पर जाऊंगा तो वहां पर कोई भी वैल्यू वो लेकर नहीं जाएगा और वो नल वैल्यू प्रिंट करवा देगा। सेम अबाउट अस पर क्लिक करो, उस पर भी नल, और अगर अब आप लोग प्रोफाइल पेज पर भी क्लिक करोगे, प्रोफाइल लिंक पर भी क्लिक करोगे तो ये भी अगेन नल हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि भाई हम लोग यहां पर रिक्वेस्ट के अंदर डेटा सेट ना करवा के मैं यहां पर एक सेशन क्रिएट कर देता हूं, HTTP सेशन, सेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। हां जी, मैंने यहां पर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के थ्रू सेशन जो है वो चीज गेट करवा दिया और अब मैं इस सेशन के अंदर वैल्यूज जो है वो चीज सेट करवा देता हूं। तो यहां पर मैंने सेट करवा दिया है डेट इज नेम अंडरस्कोर की और यहां पर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल दीपक पवार। ओके, सेम वैल्यू मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दी। क्लियर है चीज? आप लोग जितने मर्जी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे नेम की मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सेम जेंडर, सिटी, जो मर्जी वैल्यूज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और सेशन के अंदर हम लोग सेट करवा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जब भी मैं प्रोफाइल पेज पर जाऊंगा तो मैं अब की बार रिक्वेस्ट से वैल्यू को गेट नहीं करवाऊंगा। हाँ जी, मैं कहां से गेट करवाऊंगा? सेशन से मैं वैल्यू को गेट करवाऊंगा। नेम की है ही हमारे पास और मैंने वैल्यू स्टोर करवा दिया माई नेम के अंदर और उसको प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली मैं यहां पर भी रिक्वेस्ट की जगह पर मैं यहां पर सेशन का यूज कर लूंगा, यहां पर भी मैं सेशन का यूज कर लूंगा। तो मैं डायरेक्टली सेशन के थ्रू वैल्यूज गेट करवा रहा हूं और उनको प्रिंट करवा रहा हूं। ओके, तो अब की बार जब आप रन करके देखोगे तो यहां पर देखो रन किया हम लोगों ने और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर नेम जो है वो चीज प्रिंट हो रहा है। अब होम पर आप क्लिक करो, होम पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो वहां पर भी हमारे पास नेम प्रिंट हो रहा है। अबाउट अस पर क्लिक करो तो यहाँ पर भी हमारे पास नेम प्रिंट हो रहा है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो अब आप जिस मर्जी पेज पर चले जाओ वो सेशन से वैल्यूज को रिट्रीव करवा लेगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, ठीक है। अब मैं ये चीज चाहता हूं कि मैं यहां पर वैल्यूज को डिलीट करना चाहता हूं या फिर मैं सेशन ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूं तो हम लोग यहां पर मैं यहां पर क्या काम कर देता हूं, सिंपली एक लॉग आउट के नेम से पार्ट क्रिएट कर देता हूं। लॉग आउट मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया और यहां पर मैंने लिख दिया डेट इज लॉग आउट। ओके, ठीक है। और ये लॉग आउट के नेम से मैं यहां पर एक सर्वलेट क्रिएट कर देता हूं। ओके, तो सिंपल एक जावा क्लास ले लिया मैंने, इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया लॉग आउट। देन यहां पर एक्सटेंड्स मैंने करवा दिया है डेट इज HTTP सर्वलेट और यहां पर एनोटेशन का हम लोगों ने यूज कर दिया है डेट इज वेब सर्वलेट / लॉग आउट। ओके, ठीक है। और यहां पर आप लोग डूगेट मेथड ओवरराइड कर दो, ठीक है जी। और यहां पर मैं सिंपली इनवैलिडेट मेथड का यूज कर लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर सेशन गेट करवाऊंगा किसके थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन एंड सिंपली मैं यहां पर लिख दूंगा सेशन डॉट इनवैलिडेट। मैं यहां पर सेशन को इनवैलिडेट करवा दूंगा और मैं रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करवा दूंगा अगेन कहां पर, index.html पेज पर। तो यहां पर मैंने यूज कर दिया है डेट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इक्वल्स टू request.get रिक्वेस्ट डिस्पैचर, वो चला जाएगा index.jsp पेज पर एंड RD.forward, फॉरवर्ड का मैं यहां पर यूज कर लूंगा। ओके, तो प्रोफाइल पेज पर जो भी हमारे पास लॉग आउट वाला ऑप्शन है, जैसे ही मैं लॉग आउट पर क्लिक करता हूं तो हमारा सेशन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। ओके, कैसे? अब ये चीज समझो, देखो अगेन मैंने यहां पर प्रोजेक्ट को रन किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूं एंड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैं प्रोवाइड कर देता हूं।
तो हमारे पास ये देखो ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। ओके, हमारे पास यहाँ पर सारी जगह पर क्या हो रहा है, नेम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है। ओके, अब मैं गया प्रोफाइल पेज पर। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने कॉपी किया एंड लॉग आउट पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है 404 नॉट फाउंड index.jsp, ओप्स सॉरी index.html पेज है ये, जेएसपी पेज नहीं है। ओके, तो दोबारा से आप लोग रन करो, दोबारा से यहां पर आप लॉग इन करो तो हमारे पास पेज आ जाएगा। ये हमारे पास अलग अलग पेजेस आ रहे हैं। ओके, और अगेन मैं ये वाला लिंक कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और मैंने क्लिक कर दिया लॉग आउट बटन पर, तो लॉग आउट किया मैंने, ये देखो ये लॉग आउट हो चुका है। ओके, अब यहां पर जाकर एक काम करो, आप डायरेक्टली प्रोफाइल वाला जो पेज है आप ओपन करो, एंटर करो, तो ये देखो ये यहां पर क्या बोल रहा है, डेट इज नल वैल्यू। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है, डेट इज नल वैल्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। बट जब भी मैं यहां पर लॉग इन करूंगा, ओके, ये देखो मैंने यहां पर लॉग इन किया, अब मैं न्यू टैब पर प्रेस करके प्रोफाइल पेज डायरेक्टली ओपन करूंगा तो नेम जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ जी, कहीं पर भी आप लोग चले जाओ, नेम जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा। आप चाहे प्रोफाइल पेज ओपन करवाओ, चाहे आप यहां पर होम पेज ओपन करवाओ, वो नेम प्रिंट करवा देगा। बट जब भी मैं लॉग आउट कर दूंगा, ये देखो मैंने अगेन लॉग आउट पर क्लिक किया और इनको मैं क्लोज कर देता हूं। और अब आप यहां पर एक काम करो, इसको रिफ्रेश करके अब आप यहां पर एक काम करो, profile.jsp आप प्रोवाइड करो एंड एंटर करो, तो ये देखो ये क्या वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, डेट इज नल। डेट मींस के हमारा सेशन ऑब्जेक्ट जो है वो चीज डिलीट हो चुका है। हाँ जी, इनवैलिडेट हो चुका है या फिर डिलीट हो चुका है। और अगर मैं किसी भी पेज पर अब वैल्यूज रिट्रीव करवाना चाहता हूं तो वैल्यूज रिट्रीव नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सेशन ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं। अब सेशन ऑब्जेक्ट हमारा कब क्रिएट होगा, जब मैं दोबारा से लॉग इन करूंगा तो हमारा सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेशन के अंदर वैल्यूज सेट हो जाएंगी और फिर जाकर वैल्यूज जो है वो यहां पर गेट हो जाएंगी। ओके, तो ये था हमारे पास प्रोसेस। अगर हम लोग सेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे session.invalidate। ओके, हालांकि एक चीज का और ध्यान रखना, सेशन ऑब्जेक्ट डिलीट करने के और भी बहुत सारे वेज हैं। कैसे, अगर आप लोग ब्राउजर क्लोज कर देते हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लॉग इन किया, सेशन ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया और जैसे ही मैं यहां पर ब्राउजर को क्लोज करता हूं तो ऑटोमेटिकली सेशन जो है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। आप चाहो तो यहां पर ओपन करके देख सकते हो, यहां पर लिखो आप लोकल होस्ट कॉलन 8080/servletdemo2profile.jsp, आप ओपन करके देखो तो ये देखो हमारे पास यहां पर नल वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो एक वे हमारे पास ये भी है कि हम लोग ब्राउजर को डायरेक्टली क्लोज करवा देंगे तो सेशन ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, और हम लोग टाइम भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर मैं 30 मिनट्स तक कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता हूं तब भी मेरा सेशन ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, तो वो हम लोग XML फाइल के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, सेशन ऑब्जेक्ट डिलीट करने के बहुत सारे वेज हैं, ये सारे वेज आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें तो पता चल गई होंगी कि सेशन क्रिएट कैसे करते हैं, देन सेशन के अंदर वैल्यूज कैसे सेट करवानी है, कैसे सेशन से वैल्यूज को रिट्रीव करनी है, सेशन किस टाइप से डिलीट करना है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता चल गए होंगे। ओके, अब मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं कि सेशन काम कैसे करता है। यहां पर ये चीज का ध्यान रखना, ये मेरे पास क्या है, क्लाइंट है। ओके, जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, हाँ जी, जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास, और अगर हमारे पास यहां पर सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हाँ जी, अगर हमारे पास यहां पर सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, अगर हम लोगों ने कोडिंग पार्ट की हुई है, तो यहां पर क्या रहेगा, जो भी ये क्लाइंट है, डेट इज क्लाइंट वन, इसकी एक यूनिक आईडी, इसकी एक डेट इज सेशन आईडी जो है वो यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी। हाँ जी, वो यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी, कुछ भी जो भी यूनिक आईडी रहेगी वो यहां पर
पर स्टोर हो जाएगी। ओके, जब ये वाला क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये वाली आईडी अगेन यहां से यहां पर आएगी और वो मैच करेगा कि क्या ये वाली सेशन आईडी ये प्रीवियस वाली ही है या नहीं। अगर ये सेशन आईडी पहले वाली से मैच हो जाती है, उसको ये चीज पता लग जाएगा कि ये वाला क्लाइंट पहले वाला ही है, इसी क्लाइंट ने दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड की है और वो सेशन ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा, ये इस वाली क्लाइंट के लिए यही वाली सेशन आईडी बार बार यूज होगी और सेशन ऑब्जेक्ट यही वाला यूज होगा। ओके, अगर मेरे पास यहां पर कोई दूसरा क्लाइंट है, हाँ जी, यहां पर अगर मेरे पास कोई दूसरा क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट 2, जिसने अगेन यहां पर रिक्वेस्ट सेंड की, तो इस क्लाइंट के लिए अब मेरे पास दूसरी यूजर आईडी जनरेट होगी, हाँ जी, दूसरी सेशन आईडी जनरेट होगी। तो यहां पर मेरे पास एक और सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर मेरे पास एस आईडी क्रिएट हो जाएगी, इसकी कोई यूनिक सेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी। जब ये वाला क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करेगा, अगेन ये वाली आईडी यहां से ट्रांसफर होगी, अगेन वो मैच करेगा क्या ये सेशन आईडी पहले वाले से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैच हो जाती है तो उसको ये चीज पता चलेगा कि ये वाली सेशन आईडी या फिर ये वाला सेशन ऑब्जेक्ट इसी क्लाइंट का है और मुझे हर बार नेम या जो भी डिटेल्स है वो इसी सेशन ऑब्जेक्ट से गेट करवा के प्रिंट करवाना है। ओके, तो ध्यान रखना है हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग हमारे पास सेशन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, बट वही क्लाइंट अगर बार बार रिक्वेस्ट सेंड करता है तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, नहीं, वो प्रीवियस वाली सेशन आईडी को ही यूज करेगा, प्रीवियस वाले सेशन ऑब्जेक्ट को ही वो यूज करेगा और डिटेल्स प्रिंट करवाता जाएगा। तो यहां पर हमारे पास सेशन आईडी का रोल आ जाता है, वो बार बार मैच करता रहता है। ओके, सो ये सिंपल वर्किंग होती है सेशन के लिए, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए किस टाइप से सेशन काम करता है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।